हेलो एवरीवन, वेलकम इन माया ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ चूड़ा मेकिंग की, किस तरह से आप घर पर ही ब्राइडल चूड़ा सेट बना सकते हैं, या फिर आप पार्टी के लिए आप चूड़ियों का सेट बनवाने जाते हैं बाहर से जो कि काफ़ी महंगे पड़ते हैं, आप उनको घर पर ही अपने पास जो आपकी साड़ी चूड़ियाँ जो अवेलेबल हैं आप उन्हीं से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं जो है ज़्यादातर जो चूड़ियाँ हैं बाहर से नहीं बनवाती हूँ, मैं नॉर्मली प्लेन चूड़ियाँ रखती हूँ, या फिर थोड़ी सी मैं नग वाली जो स्टोन वाली चूड़ियाँ होती हैं वो मैं को अलग से रखती हूँ, और उन्हीं से ही अपने पार्टी के जो सेट होते हैं, बैंगल सेट होते हैं, उनको प्रिपेयर करती हूँ। एक तो सेट मैं आपको बना करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से अपनी चूड़ियों को रीयूज कर सकते हैं, एक ही चूड़ी को आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हो अलग अलग तरह से। तो एक मैं आपको पहले जो सबसे पहले है मैं आपको ब्राइडल सेट बना करके दिखाऊंगी। मैं आपको चूड़ियाँ दिखा देती हूँ कि मेरे पास चूड़ियाँ कैसी हैं। अगर आपको मेरा चूड़ियों का कलेक्शन देखना है तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको चूड़ियों का कलेक्शन जरूर शेयर करूंगी। ये इस तरह से मैंने अपनी चूड़ियां रखी हुई हैं, ये देखें। तो अपनी चूड़ियों को आप प्लीज केयर करके रखा करें जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको यूज कर सकें चूड़ियों को। और जो ज्यादातर जो नग वाली चूड़ियां होती हैं, स्टोन वाली चूड़ियां होती हैं, उनको आप घर पर ना पहने, घर पर आप प्लेन चूड़ियां पहने जैसे मैं पहनती हूँ। मैं नॉर्मली प्लेन चूड़ियां पहनती हूँ घर पर, इस तरह की चूड़ियां पहनती हूँ, काम करने के लिए अच्छी होती हैं ये और वैसे भी ठीक होती हैं घर के लिए। तो मैं आपको चूड़ियाँ दिखाती हूँ कि आप किस तरह से जो पार्टी वियर सेट है वो बना सकते हैं, या फिर आप ब्राइडल सेट भी बना सकते हैं। ब्राइडल चूड़ा जो होता है उस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपके पास में उस उनको बनाने के लिए कुछ नग या स्टोन वाली चूड़ियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ किस किस तरह की होनी ज़रूरी है आपके पास में। जैसे मैं आपको ये वाली दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह की चूड़ियाँ हैं, जैसे ये हैं, इस तरह की चूड़ियों में बैंगल्स में आपको स्पेंड करना चाहिए क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हो उनको, बहुत टाइम आप इनको यूज़ कर सकते हो इनको पार्टीज़ के लिए। तो देखें इस तरह की चूड़ियाँ हैं, थोड़ी महंगी होती हैं लेकिन ये आपकी चलती हैं, जब आप इनको परचेज कर लेते हो और सेफ्टी से रखते हो तो काफ़ी टाइम तक चलती हैं। और मैं आपको दिखाती जी देखिए, और आपके पास में इस तरह के जो देखिए, और ये ज़्यादा महंगे नहीं हैं वैसे, आप इनको अगर अच्छी क्वालिटी में लेते हैं जो यहाँ पर मेटल होता है तो आपको वो 400 से 500 या फिर 1000 तक में मिलते हैं। ये जो मैंने 100 रुपीज़ के लिए हैं ये वाले जो सेट हैं, लेकिन इनमें आप देखोगे इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल पूरे में स्टोन लगे हुए हैं और गोल्डन शाइन है इनमें। तो इस तरह का आपके पास में होने चाहिए, आप इस तरह का कलेक्शन रखें जिससे कि आप उनको आप जो है अलग अलग तरह से चूड़ियों का सेट बना सकें। और आप इस तरह की नग वाली चूड़ियाँ भी ले सकते हैं जैसे मैंने ली हुई हैं, इस तरह से ये जो है स्टोन वाली चूड़ियां हैं, ये देखें इनमें पतली पतली स्टोन लगे हुए हैं चूड़ियों में, मेटल की चूड़ियां हैं। तो इस तरह की चूड़ियां भी आप ले सकते हैं और उनसे मैं अभी आपको बताऊंगी। और जो ये वाली जो है जो चूड़ा में आजकल ज्यादातर आप आगे पीछे लगाते हो, इस तरह का सेट आप जरूर रखें। इस तरह का मेरे पास में दो सेट है, इस तरह के एक ये है, एक मेरे पास में रेड है। दूसरा जो मेरा सेट है वो मेरा इस तरह का है, मतलब ये भी उसी में ही है पर थोड़ा फेड हो चुका है ये, इस तरह से। तो इस तरह का सेट भी होना चाहिए आपके पास में तभी आप बना पाओगे। और ये जो है आप जो बैंगल्स होती है ना, इस तरह की आप लेकर के आप उनको घर में यूज ना करें, आप इनको उठा कर रख दें इस तरह से। मेरे पास में काफी सारे हैं, मैं दिखाऊंगी तो दिखाने में वीडियो निकल जाएगी। मैं आपको सेट बनाना बता देती हूँ, एक मैं जो सेट बना रही हूँ आपको तीन सेट बनाकर दिखाऊंगी और तीनों ही सेट काफ़ी इजी हैं और ब्राइडल सेट हैं। पहला जो ब्राइडल सेट है मैं वो बनाकर दिखा रही हूँ आपको। मेरे पास में ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, आप कोई भी प्लेन चूड़ियाँ ले सकते हैं जो आपका मन चाहे। जैसे अभी मैरून कलर थोड़ा सा ट्रेंड में है, थोड़ा आजकल फैशन में ज़्यादा चल रहा है, ये मेरे पास मैरून कलर की चूड़ियाँ हैं। आप वैसे तो इन चूड़ियों को ऐसे ही डाल लोगे तो भी बहुत प्यारी लगेंगी, लेकिन इनका जो मैं ब्राइडल सेट है वो बना करके दिखाती हूँ। मैं इनको हाफ ऑफ कर लेती हूँ एक बार, सिक्स सिक्स ये 2 दर्जन है, आप 2 दर्जन से बना सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने सिक्स यहाँ पर 1 दर्जन ले ली है और 1 दर्जन का मैं एक सेट बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ये सिक्स सिक्स मैंने जो है कर ली है अलग, ये लो ये मैंने कर ली है। और इनमें जो मैं सेट डालने वाली हूँ ये वाला डालने वाली हूँ, ये वाला इस तरह से ये मैंने बीच में डाल दिया है। और अब मैं क्या करूंगी, इनके ही बीच में मैं डालूंगी अपनी गोल्डन वाली चूड़ियाँ, ये मैंने ली है अपनी गोल्डन वाली चूड़ियाँ। एक मैंने इनको एक लाइन देने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पर एक मैरून कलर की चूड़ी रख ली है जिससे कि फिनिशिंग साफ दिखे। जो हम बना रही हूँ मैं जो जिसको बना करके दिखाने जा रही हूँ आपको इस तरह से, और फिर सेम ही प्रोसीजर हम इधर की तरफ भी करेंगे इस तरह से। ये देखें ये 4-4 चूड़ियाँ इधर आ गई हैं, और ये देखिए चूड़ियाँ ये हाफ है अभी। और इसके बाद में मैं जो चूड़ियाँ ऐड करने जा रही हूँ वो मैं चूड़ियाँ ऐड करने जा रही हूँ ये वाली, इसमें बड़े बड़े स्टोन्स लगे हुए हैं
और ये 100 के 4 थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। ये देखें, और अब इनके आप चाहें तो इनको ऐसे भी पहन सकते हैं तो भी ये ब्राइडल लुक ही करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और बढ़ा सकते हैं आप इन्हीं में ही और गोल्डन चूड़ियाँ डाल सकते हैं, ये जिससे कि और ज़्यादा बड़ा हुआ सेट दिखेगा। लेकिन मैं इसको यहीं पर फिनिश करूँगी क्योंकि मेरा हाथ जो है पतला है और चूड़ियों का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, 2-4 का मुझे साइज़ आता है, तो मेरे हाथ मरिए मैं यहाँ पर यहाँ इसके बाद में ये आ नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें और गोल्डन चूड़ियाँ मिक्स कर सकते हैं या फिर जो प्लेन चूड़ियाँ हैं उनको और डाल सकते हैं। तो मैं जो आगे पीछे है वो मैं ये वाला डाल रही हूँ, ब्राइडल सेट वाला, जो मैं नॉर्मली आपको बोल ही रही हूँ कि आपके पास में इस तरह की बैंगल्स होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा एक हैंड का जो सेट है वो प्रिपेयर हो चुका है, ये देखिए। और मैं इसको एक बार वियर करके दिखाती हूँ आपको, वियर करने के बाद में किस तरह का लग रहा है। जी मैं इसको वियर करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखें। इस तरह से अब बताइएगा जरूर कि आपको कौन सा सेट ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखें इस तरह का ये ब्राइडल सेट है। अगर इससे आगे मैं बनाऊंगी तो मेरे हाथ में चूड़ियाँ ही नहीं आएंगी, इसलिए मैंने उतना ही बनाया है, उतनी चूड़ियाँ ली हैं जो मेरे हाथ में आ जाएं। आप ओवर चूड़ियाँ ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि ओवर चूड़ियाँ आती हैं तो फिर यहाँ से मुड़ती हैं और वो आपको हाथ में आपको अच्छे भी नहीं लगती हैं देखने में। तो इस तरह का आप सेट बना सकते हैं। ये देखें, ये मैरून कलर का सेट बनाया है मैंने, और इसको आप किसी भी तरह की आउटफिट के साथ में पहन सकते हैं, बिल्कुल ब्राइडल वियर है, लहंगे के साथ में डाल सकते हैं, आप न्यूली मैरिड हैं तो भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है। और बड़ी सी आप रिंग डाल लेंगे तो और प्यारा लगेगा, और नेल पेंट लगा लेंगे तो आपका हैंड और भी प्यारा लगने वाला है। अगला सेट मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको, ये देखें मैं आपको पहले एक बार नज़दीक से और दिखा दूँ। जी अगला सेट और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको इसी तरह से। अगला सेट जो सेट है मैं बिल्कुल इजी बनाना बताने जा रही हूँ आपको, रेड कलर का है। रेड कलर की जो चूड़ियाँ होती हैं या चूड़ा होता है वो हर तरह के आउटफिट पर अच्छा लगता है, स्पेशली आप येलो कलर की अगर ड्रेस डाल लेते हो तो उसके ऊपर तो बहुत प्यारा लगता है रेड कलर का सेट। तो जो मैंने चूड़ियाँ जो बनाई थी मैं उन्हीं को ही हेयर फेयर करके ले रही हूँ, लेकिन इस टाइम मैं ले रही हूँ रेड कलर की। पहले मैंने मैरून कलर की ली थी, वेलवेट की, ये मेटल में है, वो कांच में थी। तो मैंने कुछ इतनी चूड़ियाँ ले ली हैं, ये मेरे ख्याल से 3 दर्जन के करीब चूड़ियाँ होंगी या फिर 2.5 दर्जन होंगी। तो मैंने ये डाल ली है, बस सिंपली आपको यहाँ पर मैंने वो ये वाला चूड़ा डाला है और उसके बाद में मैंने ये नग वाली चूड़ी डाली है और उसी के ऊपर बस मैं इसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ, और आप देखना ये कितना प्यारा लगने वाला है, बस इसी तरह से। और ये देखिए फिनिश, इस तरह की चूड़ियाँ आप डाल सकते हैं, लग रही है ना प्यारी। और इसमें भी आप बड़ी सी रिंग डालें, अच्छा सा नेल पेंट लगाएं, अगर मेहंदी लगी हो तो इन हाथों में और प्यारी लगेंगे। तो इस तरह से भी आप सेट बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सेट है और बिल्कुल आप कभी भी बना सकते हो। अगर आप जल्दबाजी में हो और आपको चूड़ियाँ मैसी लग रही हैं तो आप इस तरह से पहन सकते हो। वैसे तो वेलवेट की चूड़ियाँ आजकल प्लेन ही चल रही हैं कि आप कुछ भी ना पहने, लेकिन जो ब्राइडल होती हैं, न्यूली मैरिड होती हैं, उनको सभी टोक देते हैं कि प्लेन चूड़ियाँ डाली हुई हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है ये। और गर्ल्स तो कैसे भी डाल सकती हैं, गर्ल्स के लिए तो कोई रोक टोक होती ही नहीं है। तो एक सेट यही है, और मैं रेड चूड़ियों से ही एक ब्राइडल सेट और बनाकर दिखा रही हूँ आपको। वो मैंने करवा चौथ पे डाला था और काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं उसी को ही रिक्रिएट कर रही हूँ। तो मैं उसको एक बार बना देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनमें मैं क्या करूँगी, ये जो है ये लास्ट में, तो मैं इसी बैंगल को रखने वाली हूँ और मैं चार चार का ये बनाऊँगी, चार चार आठ और आठ इस तरफ। तो चार मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं प्लेन, और फिर मैं लूँगी एक ये चूड़ियाँ, ये वाली प्लेन चूड़ियाँ टू, फिर मैं चार चूड़ियाँ लूँगी और फिर मैं प्लेन चूड़ियाँ लूँगी, वो नग वाली चूड़ियाँ लूँगी इस तरह से, और उसके बाद मैं फिर दो लूँगी चूड़ियाँ और एक डालूँगी ये वाला कड़ा, फिर मैं दो लूँगी। सेम प्रोसीजर जो मैंने किया था मैं वही प्रोसीजर अपनाऊँगी दोबारा से इस तरह से, और चार चूड़ियाँ, फिर अगेन दो चूड़ियाँ स्टोन वाली, और फिर मैं अपनी चार चूड़ियाँ डालूंगी इस तरह से, और फिनिश करूंगी मैं अपने राजस्थानी चूड़े के साथ में। ये देखिए
बिल्कुल ब्राइडल सेट है, आप चाहें तो इसमें एक आध चूड़िया जिसमें टेसल्स होते हैं नीचे, आप वो वाली भी डाल सकते हैं, उनसे और ब्राइडल सेट बन जाएगा और हैवी सेट बन जाएगा। तो इस तरह से आप, ये मैंने आपको 3 सेट्स बनाने बताए हैं, और आप इसको और हैवी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको लाइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है, क्योंकि मेरे हाथ में चूड़ियाँ थोड़ी कम आती हैं इसीलिए मैंने थोड़ी कम रखी हैं, यहाँ पर भी आप जो है इनके साथ में गोल्डन लगा सकते थे, तो और इसका थोड़ा सा अच्छा सा उभरा हुआ सा वो आता, गेटअप आता थोड़ा सा अच्छा आता। और तो इस तरह से मैंने आपको 3 सेट बनाने बताए हैं, ब्राइडल सेट हैं तीनों ही, और तीनों ही बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल आप कभी भी बना सकते हो, और बिल्कुल इजी तरीके से आप बनाए चूड़ियाँ, जिससे कि आप, आपको मैसी ना हो और आपकी चूड़ियाँ जो है क्लियर दिखें और अटेंशन आए और फोटो में आपकी क्लियर दिखें चूड़ियाँ। तो इस तरह के आप सेट बना सकते हैं, ये मैंने आपको 3 सेट बनाने बताए हैं। अगर आप और भी वीडियो चाहते हो इस तरह की बैंगल्स की, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपके लिए और बना करके दिखाऊंगी। और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो, और नहीं भी हो तो भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हेल्प अपनी अपने आसपास में आप इसको शेयर कर सकते हो, जिनके साथ में आप इस तरह की मेकअप अबाउट या आउटफिट अबाउट आप आइडियाज़ लेते हो उनके साथ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं यही कहूंगी, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ जी, अगर आपको मेरी बैंगल्स का कलेक्शन देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके साथ में अपने बैंगल्स का कलेक्शन शेयर करूंगी, किस तरह की मैंने बैंगल्स रखी हुई हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।